नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है एनवायरमेंट का पार्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14वां। ठीक है, पार्ट नंबर भी कौन सा रहने वाला है, भी 14वां रहने वाला है। इससे पहले के 13 पार्ट्स आपको डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 50 क्वेश्चन डाले गए हैं। टोटल बुक की बात करते हैं तो इस बुक में आपको कितने हैं, 1250 के करीब में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाले हैं। 95 की तो यहां पर गारंटी यहां पर लेते हैं कि 95 क्वेश्चन कहां से देखने को मिलने वाले हैं, इसी बुक से देखने को मिलने वाले हैं। तो 1250 में से 1250 में से आपको कितने, 90 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि 12 क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो 12 क्वेश्चन अगर आप याद करते हो तो एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है आपके एग्जाम में देखने के लिए। तो सारे के सारे पार्ट्सों को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते ही देखते सारे के सारे याद हो जाएंगे, जो एक दो क्वेश्चन बच जाता है प्रत्येक वीडियो में वही आपको सिर्फ याद करना है अपनी बुक में लिख के। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। आज का जो स्टार्ट रहने वाला है वो यूनिट नंबर 3 का होने वाला है, 100वां क्वेश्चन। ठीक है, 100वां क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 3 का। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से संबंधित है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, तो वह किससे संबंधित है आपको बताना है। घर में हरे पेड़ से, घास के मैदानों से, भूतापन से, या फिर देश में हरियाली से। तो राइट आंसर क्या हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव किस में देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत होती है। ठीक है, जो अदृश्य होती है, जिसके अनुसार क्या होती हैं, गैसें इस वायुमंडल का क्या बढ़ा देती हैं, क्षोभ मंडल का ताप बढ़ा देती हैं जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है, ठीक है, ये जो इफेक्ट पड़ता है वायुमंडल पर यहां पर गैसों के कारण, तो उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे, ये हो जाएगा भूतापन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में जल बाष्प का संग्रहण लाता है। तो जल बाष्प का जो संग्रहण होता है वो कौन लाता है आपको बताना है, आंधी, तूफान, चक्रवर्ती, या फिर वर्षा। तो वायुमंडल में जल बाष्प का संग्रहण कौन लेके आता है, तो वह लेकर आती है कौन, वर्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह नालियों को जाम कर सीवेज के बहाव को रोकता है, कौन रोकता है यह आपको बताना है। जो नालियां वगैरह होती हैं उनको जाम कर देता है और सीवेज को बहाव से रोकता है, वह कौन होता है आपको बताना है। पॉलीथिन, पत्थर, या फिर अपना हो जाता है शौच उत्पाद, या फिर भारी धातु। तो राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, देखो बात करते हैं, यह नालियों को जाम कर और सीवेज को बहाव को रोकता है, तो वह कौन होता है, वह होता है पॉलीथीन, क्योंकि जो सीवेज वगैरह है, लीकेज है, उसे कौन रोकेगा, पॉलीथीन ही रोकेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां देखा है ओजोन परत का विस्तार किसके बीच है। तो ओजोन परत सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मध्य मंडल में, मतलब मीजोस्फीयर में। ठीक है, मध्य मंडल में, या फिर से मीजोस्फीयर भी कहते हैं। तो यहां देखा है ओजोन परत का विस्तार किसके बीच होता है, पहला देखा है ऑप्शन 10 से 20 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर, 25 से 45 किलोमीटर, या फिर हो जाता है अपना 60 से 80 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कंप्लीट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं ओजोन परत का जो विस्तार होता है वो होता है 25 से 45 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ओजोन गैस को क्या कहते हैं, O3 के नाम से जानी जाती है। जो ओजोन परत होती है वो किसको रोकती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड में जो छिद्र है, क्षोभ मंडल छिद्र है, जहां से पराबैंगनी किरणें हमारे भारत, मतलब पृथ्वी पर आ रही हैं, तो वो कहां पर वह होल हो गया है, मतलब छेद हो गया है, तो वो आपका हो गया है अंटार्कटिका में। सारे के सारे क्वेश्चन यहां से हमने देख लिए। ठीक है, अंटार्कटिका में क्वेश्चन पूछे कि ये बताइएगा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर कहां से आ रही हैं, वह कौन सा होल है, तो वह हो जाएगा अंटार्कटिका पर होल हो गया है, जिससे कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। O3 इसे कहते हैं, पराबैंगनी किरणों को यह रोकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल का प्रमुख प्रदूषक है, जो वायुमंडल का प्रमुख प्रदूषक होता है वह कौन होता है आपको बताना है। NO2, CO2, NO2, CO, CO2, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, तो राइट आंसर क्या होगा? तो वायु का प्रमुख प्रदूषक जो हो जाता है वो हो जाता है CO, कौन होता CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, DDT एक प्रकार का प्रदूषक है जो क्या करता है, जैव अपघटनीय है या फिर अभिघटनीय है, साधारणता बैक्टीरिया द्वारा विघटित है या फिर अपना हो जाता है विघटनीय है या फिर जंतुओं द्वारा विघटनीय है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनोल डाइक्लोरोइथेन। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनोल और ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो बात करते हैं, DDT एक प्रकार का प्रदूषक है, कैसा, ये जैव विघटनीय है, कैसा है, जैव विघटनीय प्रदूषक हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, 95% की यहां पर बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जमीन के अंदर खाद्यान्नों में विस्फोट कौन सा प्रदूषक बनाता है, जो जमीन के अंदर होता है खाद्यान्नों में, जहां खाद्यान्न पाई जाती हैं उनमें विस्फोटक कौन प्रदूषक बनाता है, मैं आपको बताना है, SO2, NOx, CO या फिर HF, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो जमीन के अंदर भी जो खाद्यान्न होते हैं उनमें विस्फोट कौन प्रदूषक बनाता है, तो वह भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रखा है, लू एक गर्म पवन है जो मई जून के दोपहर में चलती है, कहां चलती है यह आपको बताना है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी इटली में या फिर स्विट्जरलैंड में या फिर उत्तरी भारत में, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, लू एक गर्म पवन है, कैसी है, गर्म पवन है जो मई और जून के दोपहर में चलती है, ये कहां पर है, ये उत्तरी भारत में हो जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो भारत में हरित गृह गैसें हैं उनका सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है, ये आपको बताना है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं, भारत में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक होता है वह कौन होता है, वह होता है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा है, अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा ओजोन छिद्र खोजा गया था, देखो ओजोन छिद्र की यहां पर बात हुई जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो बात करते हैं अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा ओजोन छिद्र जो था वो खोजा गया था, कब खोजा गया था ये आपको बताना है, पहला 1976, 1985, 1991, 1997, तो राइट आंसर क्या होगा। तो ठप्पा कैसे लगाते हैं, भी ठप्पा लगाते हैं गोल, कैसा गोल, और छेद भी कैसा होगा गोल, तो ठप्पा ठा से आठ हो जाएगा और पासे पांच हो जाएगा, तो ठप्पा से आप यहां पर देख सकते हो, ट्रिक हमारी बन जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1985 में ओजोन छिद्र खोजा गया, कहां पर, अंटार्कटिका में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है, बृहद स्तरीय भूस्खलन किसका परिणाम है, तो ये किसका परिणाम होता है ये आपको बताना है, पहला रखा है ज्वालामुखी विस्फोट, वन विनाश, मृदा अपरदन, मानव जनित कार्य, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं, बृहद स्तर पर भूस्खलन किसका परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है, ये मानव जनित कार्य का है, क्योंकि मानव उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, इसी प्रकार से यहां पर आपदाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रखा है, किस प्रदेश में गहरी संकरी खाई अपरदन अधिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस प्रदेश में गहरी संकरी खाई अपरदन होता है मृदा का, वह आपको बताना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो वह अपना हो जाता है गहरी संकरी खाई अपरदन किस में अधिक है, तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है, मिट्टी के बंजर होने के लिए कौन सा प्रदूषक है, मिट्टी जो बंजर हो जाती है उसके लिए कौन सा प्रदूषक उत्तरदायी है, यह आपको यहां पर बताना है। तो पहला दे रखा है लेड प्रदूषक, मैरिन वाटर प्रदूषक, फ्लोराइड प्रदूषक या फिर अपना हो जाता है यूरेनियम प्रदूषक, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है।
तो मिट्टी के बंजर होने के लिए कौन सा प्रदूषक है? तो वह कौन सा है? तो वह अपना हो जाएगा फ्लुओराइड प्रदूषक। कैसे याद करें? मिट्टी की बात हो रही है, मिट्टी में क्या पैदा होता है भाई? मिट्टी में पैदा होता है फल, और यहां पर भी आपको आ फा और ला देखने को मिलेगा, फल, फ्लुओराइड प्रदूषक। आराम से याद हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपुन, यहां देखो, पुनर्चक्रिय तो बात अलग है, अपुनर्चक्रिय अवशिष्ट है जो चक्र के अनुसार नहीं होता। अपुनर्चक्रिय अवशिष्ट कौन सा है? अखबार, प्लास्टिक, पुरानी दवाएं या फिर ग्लास बोतलें? तो राइट आंसर क्या होगा? पुनर्चक्रिय, जो पुनः उत्पाद में लाई जा सके उन्हें कहते हैं पुनर्चक्रिय। यहां देखा है अपुनर्चक्रिय जो पुनः उत्पाद में लाई ना जा सके। तो अखबार की बात करते हैं, अखबार से बन जाता है तो ये तो लाई जाती है, पुनर्चक्रिय हो गए। बात करते हैं प्लास्टिक भी पुनर्चक्रिय है और ग्लास बोतलें भी पुनर्चक्रिय हो जाती हैं, मगर जो पुरानी दवाई है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अपुनर्चक्रिय अवशिष्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट का आंसर क्या रहने वाला है? बड़ा ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर करते हैं, रुकिएगा, जो कि पूरा देखें आपको, बिल्कुल। तो बात करते हैं, वनों के नष्टीकरण का भयंकर प्रभाव पड़ता है, जो वनों को नष्ट किया जाता है उसका भयंकर प्रभाव किस पर पड़ता है, यह आपको बताना है। मृदा अपरदन पर, खरपतवार पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाह के क्षेत्र में वृद्धि करने पर। तो वनों के बन की बात कर रहा है, ध्यान से देखना, वनों के नष्टीकरण का भयंकर प्रभाव किस पे पड़ता है? तो बताइएगा, ये पड़ेगा मृदा अपरदन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा हो जाता है? सीवर जल, औद्योगिक कचरा, मृदा अपरदन या फिर राख? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल प्रदूषक की यहां पर बात हो रही है, सबसे बड़ा कारक कौन सा है? सबसे बड़ा कारक कौन हो जाता है? तो वो हो जाता है औद्योगिक कचरा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्वतीय ढाल पर गुरुत्व के कारण चट्टानों के नीचे खिसकने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पर्वतीय ढाल पर गुरुत्व के कारण, जो गुरुत्व होता है उसके कारण चट्टानों के नीचे खिसकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। चट्टानें जो नीचे धस जाती हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपको यहां पर पूछ रखा है। पहला दे रखा है आरोहीकरण, भू अपरदन, भूस्खलन या फिर मरुस्थलीकरण। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? तो बात करते हैं, पर्वतीय ढाल पर गुरुत्व के कारण चट्टानों के नीचे खिसकने की प्रक्रिया हो जाती है वो कहलाती है भूस्खलन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है। फोटोरासायनिक प्रक्रिया हेतु चाहिए, क्या चाहिए? जो फोटोरासायनिक क्रिया होती है उसके अनुसार क्या चाहिए? पहला हो जाता है ठंडा तापक्रम, गर्म तापक्रम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जो फोटोरासायनिक क्रिया होती है वो क्या होती है? उसे ताप चाहिए। तो क्या हो जाएगा? गर्म तापक्रम चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जो जल प्रदूषण होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? पहला तरीका है SO2, SO2CH4, SO2NO2, NO2O2, O3 या देखा है SO2Cl। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल प्रदूषक या फिर अम्लीय वर्षा वगैरह जो होती हैं वो किसके कारण होती है? मुख्य स्रोत क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2NO2 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा है, वातावरण की कौन सी परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपको अब तक याद हो गया होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला 95% यहां पर आने के चांस हो जाते हैं। तो वातावरण की कौन सी परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब तक सबको पता हो गई होगी कौन सा हो जाएगा। ओजोन कितनी होती है? 25 से 45 किलोमीटर तक। ठीक है, और बात करते हैं कहां होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा होती है मध्यमंडल में, मतलब मीजोस्फीयर में। ठीक है, और कहां पर इसका छेद हो चुका है? तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका में। कहां पर? अंटार्कटिका में। और कब कब था ये देखा गया था ना?
1985 में, कब देखा गया था 1985 में, सारे के सारे देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। और ओजोन गैस की बात करता है तो कौन सी है, O3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है ये आपको बताना है, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण या फिर प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन होगा, वह हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के कारण उत्तरदायी है। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है, तो हमने आपको बताया था एक होती है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और एक होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक उत्पन्न करता है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक कौन करता है ये आपको बताना है, उतरता जहाज, रॉकेट इंजन या फिर अपना हो जाता है रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, इजी है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा, रॉकेट इंजन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम रूम्स होता है, तो सबसे कम रूम्स किसमें होता है ये आपको बताना है, ग्रे मस्तोली मृदा में या फिर लाल मस्तोली मृदा में, लाल भूरी मृदा में या फिर अपनी हो जाती है चर्मोदम में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम रूम्स होता है, सबसे कम ह्रास होता है रूम्स होता है भाग देखी है, तो सबसे ज्यादा कम अपरदन कहां होता है, अपरदन भी कह सकते हैं, तो वह होता है लाल मरुस्थलीय मृदा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायु प्रदूषण के रोकने में लेड यौगिक मुख्यता किस कारण होता है, जो वायु प्रदूषण के कारकों में लेड यौगिक मुख्यता किस कारण होता है आपको बताना है, घरेलू आग, मोटरयान, फैक्ट्री, कोयला, संलयित ऊर्जा केंद्र। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, जो लेड यौगिक की बात यहां पर की जा रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, लेड शीशा कहां यूज होता है, ये मोटरयानों में यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, मृदा अपरदन एवं ज्वालामुखी मुख्य उत्तरदायी कारक है, किसके कारक है ये आपको बताना है, भूमि प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, वातावरणीय प्रदूषण के। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, मृदा अपरदन एवं ज्वालामुखी मुख्य उत्तरदायी कारक हैं, तो कैसे हैं ये, जल प्रदूषण कारक हो जाते हैं, मृदा अपरदन और ज्वालामुखी मृदा अपरदन होगी तो क्या होगा, जल से होगा। ठीक है, जल प्रदूषक ही यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर B हो जाएगा, क्योंकि अपरदन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है CFS का उपयोग होता है, तो CFS जो है इसका उपयोग किसमें होता है आपको बताना है, वृद्धि कारक, प्रतिकारक, ऑक्सीकारक या फिर अपना हो जाता है यहां पर प्रसीतक। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो CFS, ठीक है, क्लाइमेट फॉरेस्ट सिस्टम, क्या क्लाइमेट फॉरेस्ट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, तो यहां पर बात करते हैं क्लाइमेट फॉरेस्ट सिस्टम का उपयोग होता है किसमें, तो यह होता है अपने इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा प्रतिकारक के रूप में, किसके कारक में होता है, प्रतिकारक के रूप में होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन में रिपीट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है, तो चिमनी ऊंची ऊंची बनाई जाती है, इनमें धुआं कैसा होता है आपको बताना है, गुच्छा, गुच्छिक, कोहरा या फिर धूम कोहरा। तो राइट आंसर बताना है क्या रहने वाला है, तो इसमें जो होता है ना, चिमनी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि गुच्छे में क्या निकले, धुआं निकले। तो राइट आंसर होगा गुच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उड़न राख का प्रकार है, जो उड़न राख होती है वह किसका प्रकार होती है आपको बताना है, फ्लैश फोटोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन, PAN, नैनो पदार्थ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा,
जो उड़न राख का प्रकार होता है वह प्रकार होता है हाइड्रोकार्बन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखा है अनुपयुक्त पर्यावरण के कारक प्रजातियों के कम जीवों के होने को क्या कहा जाता है। जो अनुपयुक्त वातावरण है, प्राणियों के अनुसार उपयुक्त वातावरण नहीं है, तो वहां पर जो कम जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। एंड्रिजर्ड, प्रताड़ित, या फिर हो जाता है अलभय या अलन रेबुल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वलन रेबुल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बात करते हैं अनुपयुक्त वातावरण के कारण प्रजातियों में कम जीवों में होने को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एंडोजर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, एंडोजर्ड कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ठीक है आपके एग्जाम के लिए, तो कह सकते हैं यहां पर 80% इसका वेट रहने वाला है, देख सकते हो आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे, जैव विघटनीय प्रदूषक है। जैव विघटनीय प्रदूषक कौन है ये आपको बताना है। पौधे की जड़ें, डीडीटी, धातु की आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो जैव विघटनीय प्रदूषक कौन होता है, डीडीटी होता है, डाइक्लोरो डाइफेनॉयल ट्राइक्लोरो इथेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है ओजोन पर्वत की मोटाई किस मात्रक में मापी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस मात्रक में मापी जाती है आपको बताना है। उबसन इकाई, या फिर अपना हो जाता है NTUS, ODP, या फिर खगोलीय मात्रक। तो राइट आंसर क्या होगा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस मात्रक द्वारा मापी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, उबसन इकाई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वायु एवं जल के द्वारा मृदा का स्थानांतरण कहलाता है। वायु एवं जल के द्वारा मृदा का स्थानांतरण जो होता है, एक जगह से दूसरे जाना होता है, वह क्या कहलाता है। अपरदन, जीवाश्मीकरण, कैल्सिफिकेशन, या फिर अपना हो जाता है लवणीकरण। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, तो आपको पता है वायु एवं जल के द्वारा मृदा का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन या वायु अपरदन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी अपरदन होगा मृदा का ही। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो वायु प्रदूषण उत्पन्न कौन करता है आपको बताना है। रेडियोधर्मी पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर ये सभी। तो वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड करता ही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी करता है, और यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है सूर्य के परावैगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है। सूर्य की जो परावैगनी किरणें हैं उससे हमें सुरक्षा कौन देती है, CO2, O3, N2O2। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो आपको मैंने बता रखा है वो कौन सी है, ओजोन परत सहायता देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको अंटार्कटिका में खोज जो छेद खोजा गया था वो कब, 1985 में, अभी आपको बताया है कितने किलोमीटर तक, 25 से 45 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा है वायु प्रदूषण का निम्न में से सबसे बड़ा कारक है। वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में सबसे बड़ा कारक कौन है, चीनी मिलें, परिवहन, कूड़ा जलाना, या फिर थर्मल पावर प्लांट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो वायु प्रदूषण का निम्न में से सबसे बड़ा जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि पानी को स्वच्छ करने के लिए प्रयुक्त होता है, पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, मीठा सोडा, खारा सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो पानी को स्वच्छ करने के लिए उपयुक्त होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, DDT है, DDT क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनॉयल ट्राइक्लोरो इथेन है क्या, यह आपको बताना है। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, वाहन अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, तो DDT क्या है, एक जैव अपघटनीय है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रखा है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है।
तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन होता है ये आपको यहां पर बताना है। तो पहला दे रखा है NO2, SO2, CO2, NO2, SO2। तो राइट आंसर क्या होगा? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन है? NO2 भी है और SO2 भी है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये अलग अलग हैं, मगर एक में कहां दे रखे हैं? डी ऑप्शन में, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है रासायनिक ऑक्सीजन के लिए कार्बनिक पदार्थ द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं। रासायनिक ऑक्सीजन के लिए, ध्यान से देखना, रासायनिक ऑक्सीजन के लिए कार्बनिक पदार्थों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला दे रखा है TDS, DO, BOD या फिर COD। तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा COD। क्या हो जाएगा? COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना यहां पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क भूमि में पवन अपरदन का मुख्य कारक है। तो मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क भूमि में पवन शुष्क एवं अर्ध शुष्क भूमि में पवन अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है। जानवरों द्वारा अति चरवाही या फिर जंगलों में आग, वन विनाश या फिर बाढ़। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में पवन अपरदन मुख्य कारण हो जाता है, वो जाता है जानवरों द्वारा अति चरवाही, मतलब जानवरों के द्वारा बहुत मात्रा में घास को चर जाना, है ना, मतलब खा लेना। तो क्या देखने को मिलती है? पवन अपरदन देखने को फिर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस में होती हैं। बायोगैस में क्या होती है? NO2, SO2, PO4 या फिर Cl, CO4, CO2, NO2, H2 या फिर अपना हो जाता है O2, Cl2, H2, N2 या फिर CH4, O2, SO2, NH3। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बायोगैस में होती है। बायोगैस में क्या होती है? बायोगैस में क्या होती है? हाँ, तो हमारा कौन सा था क्वेश्चन? था हमारा बायोगैस में होती है। तो बायोगैस में आपको मैंने बता रखा है, बायोगैस में जो मुख्य गैस होती है, क्वेश्चन पूछता है कि बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। कौन सी? मीथेन भी कहते हैं और मीथेन भी कहते हैं, मीथेन भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, मीथेन कौन सी होती है? मुख्य गैस पूछता है तब, ठीक है। बायोगैस मतलब LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर जो मुख्य गैस होती है वो कैसी होती है? मीथेन होती है। यह देखा है बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन, O2 ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, ठीक है। ये सारी की सारी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है ग्रीस स्मॉग यह भी कहलाती है। जो ग्रीष्म स्मॉग होती है वो क्या कहलाती है आपको बताना है। और भी एक नाम से जाना जाता है ग्रीष्म स्मॉग को, तो वह क्या नाम से जाना जाता है ये आपको पूछ रखा है। तो पहला देखा है फोटोकेमिकल स्मॉग, लू स्मॉग, शुष्क स्मॉग, आर्द्र स्मॉग। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ग्रीष्म स्मॉग यह कहलाती है। क्या कहलाती है? लू स्मॉग कहलाती है। कौन सी? लू स्मॉग। ग्रीष्म स्मॉग को ही लू स्मॉग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकासशील देशों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो विकासशील देश होते हैं उनमें जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है आपको बताना है। कीटनाशक, अंट्रीटेड मलमूत्र, औद्योगिक रसायन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विकासशील देशों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है कौन सा है यह आपको बताना है। अच्छा, और भी तो रखा है, औद्योगिक रसायन भी दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकासशील देशों में जल प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वह होता है औद्योगिक रसायन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। तो पहला दे रखा है अपना म्यूनिसिपल मलमूत्र, नहाना,
औद्योगिक स्त्राव या फिर हो जाता है ए और सी दोनों। राइट आंसर क्या होगा? भारत में जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? नहाना हो जाएगा? नहीं यार, कौन सा हो जाएंगे? म्यूनिसिपल मलमूत्र हो जाता है और औद्योगिक स्त्राव हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। क्या प्रदूषित कर रहा है? यमुना को, गंगा को, कावेरी को, ताप्ती को। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा करकट जो है वो उसके पास से कौन सी निकलती है? यमुना नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़े शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण है कीटनाशी, खरपतवार नाशी, वाहन उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? वह हो जाता है वाहन उत्सर्जक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्रदूषित नगर है कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़। 100% आने वाला क्वेश्चन। तो भारत में सबसे प्रदूषित नगर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कोलकाता। कैसे याद करेंगे? कोल है ना, बिल्कुल कोल मतलब काला, बिल्कुल काला है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यदि विश्व का सभी पादप समुदाय नष्ट हो जाता है, जो पादप समुदाय है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, तो किसकी सबसे कमी होगी? किसकी सबसे कमी होगी वो आपको बताना है। आश्रय स्थल की, शीतल वायु की, भोजन की या फिर ऑक्सीजन की। यदि विश्व का सभी पादप नष्ट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा कमी क्या देखने को मिलेगी? भोजन की कमी देखने को मिलने वाली है। क्या? भोजन की कमी भाई देखने को मिलने वाली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे अधिक एवं खराब वायु प्रदूषक कौन सा है? रुकिएगा, अभी पैन को ना चला है, क्या हो रहा है? अभी थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, हाँ थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी बटन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां की बात करते हैं, देखा है सबसे अधिक एवं खराब वायु प्रदूषक पैदा होता है। किससे प्रदूषित पैदा होता है आपको बताना है। सबसे अधिक खराब, ठीक है, तो वह कौन सा जाएगा? धुआं से, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन देख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक एवं खराब वायु प्रदूषक कौन सा है? वो हो जाएगा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक का पीएच होता है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसका पीएच कितना होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है भाई? अम्लीय होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखे? यूनिट नंबर थर्ड का हम क्या देख चुके हैं? यहां पर क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं 150 तक, ठीक है। तो हमने यहां पर 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो फ्रेंड्स, और भी आपको 40-45 क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड में देखने को मिलेंगे। पार्ट आपको एक एक और मिल जाएगा यूनिट नंबर थर्ड से। उसके बाद कहां जाएंगे? उसके बाद जाएंगे यूनिट होगा, ठीक है। यूनिट थर्ड का हमारा जो 15 पार्ट होगा वो लास्ट होगा, उसके बाद 3-4 पार्ट्स और बनेंगे और आपका सारा की सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना।